पंजाब की 56 कंपनियां खत्म होंगी, एक कंपनी भी नहीं बचेगी, लोग घर जाएं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के LTC मुलाजिम की बहाली की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी जनरल मैनेजर की मुलाजमत पर बहाली की दरख्वास्त खारिज कर दी। जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने डिप्टी जनरल मैनेजर लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी की नौकरी पर बहाली की दरख्वास्त की समाअत की। दरख्वास्त गुजार मोहम्मद हनीफ ने कहा कि लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड पंजाब हुकूमत की 56 बनाई गई कंपनियों में से एक कंपनी है। लाहौर ट्रांसपोर्ट प्राइवेट कंपनी लिमिटेड में बतौर डिप्टी मैनेजर काम कर रहा था, लेकिन मुझे कवायद के बरखिलाफ निकाल दिया गया। जस्टिस इजाजुल हसन ने कहा कि जिस ओहदे पर काम कर रहे थे वो ओहदा ही खत्म हो गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि पंजाब की 56 कंपनियों में से अब एक भी नहीं बचेगी, इनके अब सब लोग घर जाएंगे, ये सारी कंपनियां खत्म हो जाएंगी, अब इनमें कोई नहीं रहेगा। अदालत उज़्मा ने दरख्वास्त खारिज करते हुए लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी की जिली कमेटी को मोहम्मद हनीफ का केस दोबारा देखने की हिदायत कर दी।